नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। MLS कॉलेज के प्रबंधक CP सिंह ने कहा कि हमारे कॉलेज परिसर में 101 कन्याओं का विवाह होना है, मेरे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं जो हमारे इंस्टीट्यूट प्रांगण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन रखा गया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रुदौली विधायक श्री रामचंद्र यादव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष रुदौली रामप्रेस यादव ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह स्थल का किया निरीक्षण। हम आपको बताते चलें कि 28 नवंबर दिन सोमवार को इसी परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न होगा। गरीब बेटियों की शादी के लिए समाज कल्याण विभाग ने कमर कस ली है। रुदौली विधानसभा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम 28 नवंबर सोमवार को MLS कॉलेज जखौली के परिसर में संपन्न होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रुदौली रामचंद्र यादव है। जानकारी को अवगत कराते हुए रवीश मिश्रा ADO समाज कल्याण मवई रुदौली एवं सर्वेश सिंह सुपरवाइजर रुदौली ने दी है। उन्होंने बताया कि रुदौली और मवई ब्लॉक सहित रुदौली नगर के लगभग 101 जोड़ों का विवाह होगा संपन्न। अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। सर, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन रखा गया है जो आपके इंस्टीट्यूट को चुना गया है, तो इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा, हमारे कॉलेज का, कि इस शुभ कार्य के लिए हमारे कॉलेज को चयनित किया गया है। इसके लिए हम अपने माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभारी हूँ कि इस शुभ कार्य के लिए हमारे कॉलेज में चयनित किया गया है। और इस प्रांगण में अगर ये शुभ कार्य किया जाता है सामूहिक विवाह का, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।